Hey guys, welcome to Blending Flavors. Sorry for not uploading recipes for so long. Today we are going to share an amazing dessert recipe. It's rose custard falooda. Let's start the recipe. सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 टीस्पून जितना सब्जा सीड्स, जिसे हम पानी में भिगो के रखेंगे थोड़ी देर के लिए। सब्जा सीड मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, थोड़ी देर बाद वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम एक बर्तन में 2 टेबलस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं और उसमें ठंडा दूध डालेंगे और उसे प्रॉपरली मिक्स कर देंगे और उसे साइड पे रख देंगे। कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अब हमने सेवैया ली है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। 2 तरह की होती है, रोस्टेड और बिना रोस्ट की हुई। हमने रोस्टेड ली है, फिर भी हम उसे थोड़ा सा घी में फ्राई कर रहे हैं। हमने 1 टीस्पून जितना घी लिया है और उसमें हम सारी सेवैया 3/4 कप जितनी सेवैया को रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी सेवैया रोस्ट हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे 500 ml जितना दूध, फिर उसे प्रॉपरली मिक्स करके कुक होने देना है। मार्केट में बिना रोस्ट की हुई सेवैया भी मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी बेहतरीन फालूदा तैयार होता है। फिर डालेंगे 3 टेबलस्पून जितनी चीनी, आप इसमें शुगर फ्री डाल के भी आप बना सकते हैं फालूदा, और आप चाहे तो चीनी का नाप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसे प्रॉपरली मिक्स होके कुक होने देना है। फिर इस स्टेज पे हम डालेंगे जो कस्टर्ड पाउडर और दूध को हमने मिक्स किया है वो डाल देंगे। प्रॉपरली मिक्स करके डालना है और कस्टर्ड पाउडर और दूध डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है, वरना हमारा जो फालूदा है वो चिपक सकता है। उसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है, फ्लेम को मीडियम या लो रखें। फिर हमारी सेवैया तैयार हो जाएगी इस तरह से। अब हम उसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा येलो जेल फूड कलर, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे कलर बहुत ही बेहतरीन आता है। फिर उसे प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। अब हम फालूदा को सर्व करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक ग्लास में रोज़ सिरप डाल रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ कस्टर्ड फालूदा बना रहे हैं। फिर डालेंगे सब्जा सीड्स और फिर हमने जो सेवैया बनाई है उसका एक लेयर करेंगे। फिर डाल रहे हैं वेनिला आइसक्रीम का स्कूप, आप चाहे तो रोज़ आइसक्रीम भी ले सकते हैं। फिर डाल रहे हैं थोड़ी सी टूटी फूटी, उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा रोज़ सिरप ऐड कर रहे हैं और फिर से एक लेयर सेवैया का डालेंगे और लास्ट में हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। और हमने डेकोरेट करने के लिए गुलाब जामुन भी ऐड किया है, जिससे बहुत ही बेहतरीन फालूदा दिखेगा। तो तैयार है हमारा रोज कस्टर्ड फालूदा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल ब्लेंडिंग फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।